हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे एक युवा की बात कर रहे हैं जिस झारखंड के छोटे से शहर से उसने स्टार्टअप शुरू किया था और आज है इसकी वैल्यू 750 करोड़ रुपए। झारखंड के छोटे से जिले चाईबासा के रहने वाले अंकित प्रसाद से छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया। बचपन से एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत रखने वाले अंकित प्रसाद ने IIT दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कई छोटे बड़े स्टार्टअप में काम किया और उसके बाद खुद अपनी मंजिल बनाने के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने 2015 में बबल AI की स्थापना की, जिसने बबल इंडिया कीबोर्ड बनाया। यह दुनिया भर की 120 भाषाओं के साथ साथ 37 भारतीय भाषाओं को कीबोर्ड के द्वारा सहायता प्रदान करती है। 2020 में बबल AI का मूल्यांकन 500 करोड़ से अधिक दर्ज किया था, जो 2021 की थर्ड क्वार्टर में बढ़कर 750 करोड़ हो गया। अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा चाईबासा के सरस्वती विद्या मंदिर में पूरी की थी। हालांकि जब उनका दाखिला NIT जमशेदपुर में DAV स्कूल में हुआ, तब तक उन्हें ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती। लेकिन अंग्रेजी थोड़ी बातें हो सकती है, अगर आपके पास आइडिया है तो आप ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अंकित को शुरू से ही कंप्यूटर अपनी ओर आकर्षित करता था। इसके बाद 1995 में उन्होंने अपने पिता ने पहला कंप्यूटर खरीद के दिया, तब से वो इनका हिस्सा बन गया। अंकित बताते हैं कि अंग्रेजी में पहले काफ़ी कमज़ोर थे, इस कारण शुरुआत में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। उन्होंने गणित से दोस्ती कर ली। इसके अलावा उन्होंने भाइयों को भी कंप्यूटर में काफ़ी दिलचस्पी दी। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अंकित को कोडिंग का बहुत शौक था। दोनों ने 2005 में वेब डिजाइन के साथ शुरू की और एक छोटी सी कंपनी की स्थापना की, जिसमें लोकल रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और होटल के लिए वेबसाइट तैयार किया। जैसे इस स्मॉल बिजनेस ने बड़े ही शीघ्र से गति पकड़ ली और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अंकित प्रसाद पढ़ाई में औसत छात्र रहे। 2005 में बोर्ड परीक्षा में उन्होंने टॉप की, 3 में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद उन्होंने IIT में प्रवेश करने की शुरुआत की। जमशेदपुर के कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। अंकित बचपन में हाइपर मायोपिया से पीड़ित थे। इनकी आंखों की रोशनी -18 या -19 थी। 2017 में ही एक सर्जरी के बाद उन्हें सामान्य दृष्टि मिली थी। हालांकि इस दौरान अपनी वेबसाइट से ही हो रही कमाई से उन्हें मदद मिलती। 2007 में उन्होंने IIT की प्रवेश परीक्षा पास की और उन्होंने 5000 से ऊपर रैंक मिला। इसके कारण उन्होंने NIT जमशेदपुर में सीट आसानी से मिल गई, जबकि वो IIT में एडमिशन लेना चाहते थे। उसके बाद अंकित ने एक बार और ट्राई किया। इस बार उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 400 रैंक प्राप्त। आगे अंकित 2008 में गणित और कंप्यूटर में एक इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए IIT दिल्ली में शामिल हुए। IIT दिल्ली के शामिल होने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस जारी रखा। जल्दी बिजनेस का विस्तार हुआ और लगातार कमाई करने लगा। 2009-10 के दौरान उन्होंने कई स्टार्टअप के साथ काम किया। अंकित ने कहा कि जब मैं कॉलेज में था, लेकिन पहले से ही अच्छा पैसा कमाने लगा था और काम करने लगा था। प्रोफेशनल समय सीमा का पालन करने से मेरी क्लासेस बाधित होने लगी, लेकिन इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ाई जा रही थियोरेटिकल रिसर्च ड्रिवन सिलेबस के विपरीत मैंने अपने काम का आनंद लिया। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जोमेटो की सफलता का अंकित को प्रेरित किया और उन्होंने 2012 में अपने भाई के साथ हॉस्टल के कमरे से टच टैलेंट बनाया। ये एक वेब आधारित ग्लोबल कम्युनिटी है जो यूजर्स को कला और डिज़ाइन को प्रदर्शित करने का, साझा करने का, सराहना करने का और मॉनिटाइज करने को अनुमति देता है। उसी समय के दौरान उन्होंने क्लासेस में भाग लेना कम कर दिया और सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। तभी उन्होंने इंजीनियर की डिग्री के बजाय फुल टाइम अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनको बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। अंकित ने 2018 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 की सूची में अपनी जगह बनाई। तभी उनके प्रति लोगों की पूरी धारणा ही बदल गई। तब कहते हैं ना, सक्सेस मिलने के बाद कई लोगों के नजरिए बदल जाते हैं। अंकित ने कहा कि ये मेरी पहली पहचान थी और इसने सही रास्ते पर चलने का विश्वास जगाया। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट में भी पहचान मिली है। IIT दिल्ली ड्रॉप आउट अंकित बताते हैं कि आज भी मेरी माँ को यह समझ नहीं आता है कि मैं क्या करता हूँ और यह कंपनी को रेवेन्यू क्या मिलता है, लेकिन वो सभी के साथ बातचीत करने में इंटरेक्टिव कीबोर्ड का उपयोग करती है, यही बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज की अंकित की कहानी आपको कैसे और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।